What's up guys, welcome back to Play Console. आज के इस वीडियो में मैं Assassin's Creed का गेमप्ले देने वाला हूँ और आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे एरिना बैटल भी है जो ओरिजिन में था. ओरिजिन में हमने खेला था एरिना बैटल और ग्लैडिएटर टाइप का जो बैटल था वहाँ एरिना पे, तो ऐसा ही सिमिलर कुछ दिया गया है Assassin's Creed ओडिसी में भी. तो इसका लोकेशन ये है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये मिशन के दौरान मिलेगा आपको. मिशन का नाम है पैराडाइज लॉस्ट, ये मिशन का नाम है. यहाँ पे आप अगर ये मिशन आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आने के लिए कहा जाएगा इस एकदम नीचे की तरफ का. ये जो सिटी है फैपकिया, फैपका नाम है सिटी का. तो यहाँ पे आपको ये एरिना मिलेगा, ये एरिना पे ही आना है और बैटल करना है. ये एरिना पे फास्ट ट्रेवल करके आप आ सकते हैं. जब एक बार अगर आप आ जाएं इस एरिना पर, एक बैटल कम से कम कर ले तो आपको फास्ट ट्रेवल अनलॉक हो जाएगा. तो यहाँ से आप फास्ट ट्रेवल भी कर सकते हैं. तो हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें बैटल जीतना है, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है. आपको अपोनेंट चूज़ करने के लिए बोला जाएगा. मैंने यहाँ पे एक को डिफीट किया था, मतलब एक वेव मैंने कंप्लीट किया, लेवल कंप्लीट किया है. यहाँ पे कई तरह के लेवल आप चूज़ कर सकते हैं. आपको डिफीट तो ऑल को करना है, बट आपका जब लेवल इंक्रीज़ नहीं है तो पहले इंक्रीज़ करें, उसके बाद आप इन सब से फाइट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लेवल 22 है, यहाँ पर लेवल 42 था, सॉरी यहाँ पे लेवल 29 था. 29 लेवल को मैंने डिफीट कर दिया है. लेवल 36 अभी है नहीं तो मैं यहाँ फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने फ़ाइट किया तो मेरे कंपटीटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझसे पावरफुल है, तो मेरा कोई चांस नहीं बनेगा उनसे जीतने का. तो फिलहाल मैं लेवल 22 को खेलता हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं खेला है तो इसलिए मैं लेवल 22 को एक्सेप्ट करता हूँ. और यहाँ पे आप देखें ओडिसी में ये एरिना दिया गया है, सेम एरिना जैसे ओरिजिन में था, मतलब कुछ सिमिलरिटीज दोनों गेम में हैं, दोनों पार्ट में. तो ये है वो एरिना, यहाँ पे मुझे फ़ाइट करना है. जैसे ही ओरिजिन में था पूरा सेम है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वही फायर है, वही पूरा माहौल है इस एरिना का. तो यहाँ पे आपको वेव कंप्लीट करना है, वेव 1 है, ठीक है. यहाँ पे लेवल 22 का एनिमी जो रहेगा, क्योंकि मैंने लेवल 22 सेलेक्ट किया है, इन सबको डिफीट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनका लेवल ज़्यादा हाई नहीं है. और मैं किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट लेकर नहीं खेलता, क्योंकि कई एनिमी होते हैं, मुझे टारगेट चेंज करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं टारगेट एक पर्टिकुलर एनिमी को नहीं लेता हूँ कभी. हाँ, अगर एनिमी स्ट्रांग हो, एक पर ही फोकस करना हो, तो मैं उसे टारगेट लेकर डिफीट करने की कोशिश करता हूँ. पर यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है जो मैंने अनलॉक करके रखी है, तो ये सब एबिलिटी मुझे हेल्प करी कंप्लीट करने में इसे. और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप भी खेलोगे तो इजीली आप कर सकते हो. ये भी गया वेव 3, तो वेव 3 शायद आ रहा है अब. हाँ, वेव 3 में थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है हाई एनिमी, हाई पावरफुल एनिमी के, पर मेरे लिए ये लेवल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगी. ये सब एबिलिटी मैंने अनलॉक की थी और ये काफ़ी हेल्पफुल एबिलिटी है. ये आप पावर कह सकते हैं, ये ओरिजिन में भी था, क्योंकि ये ओरिजिन से ज़्यादा टाइम बाद नहीं निकला है. इसके लगभग ज़्यादातर जो सिस्टम वगैरह हैं, जो कॉम्बैट स्किल हैं, ये सब सिमिलर हैं. तो वेव 4 आने वाला है, अब मैंने वेव 3 कंप्लीट कर लिया है. तो वेव 4 में क्या है भाई, ये एक बंदा है जिसमें तो दम तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे, और ये भी गया. ये एबिलिटी ना भाई बड़ी कमाल की है, बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है. ये लेवल 22-21 ऐसे ही ये है, लेवल ज़्यादा लेवल नहीं. और मैंने प्रीवियस में अभी थोड़े वक्त पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था वो लेवल 29 का, तो उसमें एनिमी जो थे काफ़ी मतलब टफ थे एनिमी, क्योंकि वो मेरे लेवल के थे. अभी मेरा लेवल 30 हुआ है, क्योंकि मैंने उन्हें डिफीट किया था और मेरा लेवल 29 था, तो मुझे एक लेवल ज़्यादा मिल गया है, मैं एक्सपी बढ़ा था इसलिए. और फाइनल में एक आपका हाई लेवल का एनिमी आएगा, फाइनल है ये जो होता है वेव का,
हर लेवल में आपको ये किंग मिलेगा, तो इसे डिफीट करना है हमें। तो इसे डिफीट करना तो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये लो लेवल का है, हाई लेवल नहीं है। कुछ एबिलिटी की खासियत होती है सब एनिमीज, हर एनिमीज में होती है। तो ये फाइनल है, अगर आप इसे डिफीट कर दोगे तो आपका लेवल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका। और मैंने जैसे बताया, मैं एक पर्टिकुलर एनिमी के ऊपर टारगेट लेता हूँ जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये एक फाइनल बॉस की तरह है, तो इस पर मैं टारगेट लेके खेल सकता हूँ क्योंकि और कोई डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई और एनिमी है नहीं, तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम, तो मुझे ईजी है इसे मारना, कुछ मेरे लिए टफ नहीं है। आपका अगर लेवल 22 है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये आपका लेवल का बराबर कर रहा है। अगर आपका लेवल इससे ज़्यादा है तो कोई फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं, आप इजली इसे डिफीट कर पाएंगे। ये अब खत्म होने क्या फिनिश। तो ये है, मैंने कंप्लीट किया है। ऐसे ही आपको कंप्लीट ऑल वेव करना है, ऑल मतलब करना है। अभी मैंने लेवल 2 को कंप्लीट किया था, इसलिए लेवल 2 का मुझे आर्म लॉक हुआ है, लेवल 22 का, और 16,000 एक्सपी दिया गया है मुझे। ज़्यादा नहीं है लेवल 30 के मुकाबले, 60,000 ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा है 60,000 एक्सपी। और भी कुछ रिवॉर्ड इसमें मिल सकते हैं, जैसे अभी मुझे मिले आर्म वगैरह। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया भाई, इन सबके भाषण में मुझे कोई शौक नहीं, तो आई हैव टू गो। यस, थैंक यू। तो ये था, मैंने दूसरा भी कंप्लीट कर लिया और मुझे रिवॉर्ड मिल गया। आप जो लेवल आप कंप्लीट करेंगे उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं दोबारा जाऊँगा इस पे, तो मैंने दो कंप्लीट कर लिया है, लेवल 22 और लेवल 29 दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लेवल 36 है, लेवल 43 है, 50 है, उसके बाद फाइनल है जो हाई लेवल का मर्सेनरी है, तो उससे फिलहाल तो मैं फाइट कर नहीं सकता, तो आई हैव टू गो। तो आपको यही दिखाना था कि इसमें एरिना किस तरह से है, कैसा है, और इस हिसाब से आपको फाइट करना है। तो अपना लेवल आपको इंक्रीज रखना पड़ेगा, कम से कम इंक्रीज उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, जितना लेवल से आप फाइट करना चाहते हैं, कम से कम मिनिमम आपका लेवल उतना ही होना चाहिए, तो आप के जीतने के चांसेस काफ़ी हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में असासिन्स क्रीड ओडिसी का, कि एरिना पे कैसे फ़ाइट करें, एरिना पे फाइट करने का मतलब एरिना है कैसा, या असासिन्स क्रीड ओरिजिन के मुकाबले सिमिलर हैं। आपने देखा एरिना में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, कॉम्बैट में किसी में चीज़ में डिफरेंस नहीं है। तो ये था असासिन्स क्रीड ओडिसी का एरिना का एक बैटल। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं दोबारा किसी और गेम के साथ कोई वीडियो अपलोड करूंगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय फ्रेंड्स।